गाइस सिर्फ 15 दिन मेरे बताए हुए तरीके से इस सीरम को अपने फेस पर लगा लीजिए। यह आपके चेहरे के सारे दाग धब्बों को दूर करके डेड स्किन को हटाकर आपकी स्किन को बहुत ग्लोइंग बनाएगा। आपने कभी नोटिस करा है जो हमारी एक्टर एक्ट्रेस होती हैं वो कभी भी अपनी स्किन को फेयरनेस करने का ध्यान नहीं देती। वो हमेशा अपनी स्किन पे कुछ ऐसा अप्लाई करती हैं जिससे उनकी स्किन बेदाग लगे और ग्लोइंग लगे। कौन कौन इस बात से सहमत है कमेंट जरूर करना। कलर चाहे कोई भी हो लेकिन उस पे दाग धब्बे नहीं होने चाहिए, डेड स्किन नहीं होनी चाहिए और हमारी स्किन पे एक अलग सा ग्लो शाइन जरूर होना चाहिए, क्योंकि बहुत लोग फेयर होते हैं लेकिन उनके दाग धब्बे इतने होते हैं स्किन बहुत डल होता है, तो ऐसे रंग का क्या फायदा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आपका बिल्कुल ज्यादा पैसा खर्च किए बिना आज का मैं ये सीरम बताऊंगी जिसके लिए आपको ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं और रंगत आपके सामने होगी आपके चेहरे की। तो बेहतरीन वीडियो को अगर इतना ही पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, साथ में जमकर शेयर कर दीजिए। इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेना है पपाया यानी पपीता। पपीते में विटामिन ए होता है जो आपकी स्किन से डेड लेयर को हटाता है, आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है, आपकी स्किन को स्पॉटलेस बनाता है। तो यहाँ पर छोटा सा टुकड़ा आप पपीता का ले लीजिए, उसको छील लीजिए, उसको आप अच्छे से चम्मच की सहायता से मैश कर लीजिए। मैश करने के बाद अब इसमें हम दूसरा और अपना लास्ट इंग्रेडिएंट मिक्स करेंगे, बादाम रोगन। बहुत इफेक्टिव है ये आपकी स्किन के लिए और बादाम का तेल जो है पुराने जमाने से इस्तेमाल होता आ रहा है। बहुत सारे लोग सिर्फ अपने चेहरे पर पहले बादाम का तेल ही मला किया करते थे क्योंकि उससे आपकी स्किन बहुत ही ग्लोइंग हो जाती है, स्पॉटलेस हो जाती है और उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में होता है जो हमारी डेड स्किन को निकालने में हेल्प करता है। इनफैक्ट आपके डार्क सर्कल्स को भी रिड्यूस करता है, आपकी स्किन को एक नया ग्लोइंग और रिंकल फ्री बनाता है। तो यहाँ पे हमने कम से कम 3 से 4 चम्मच विटामिन ई यानी हमदर्द के बादाम के तेल के ऐड कर लेने हैं। इसको डबल बॉयलर पे गरम करना है। आप एक बर्तन में पानी ले लीजिए, उसके ऊपर कटोरी रख लीजिए, कटोरी में ये मिक्सचर डाल दीजिए यानी पपीते का और बादाम के तेल का। अब इसको लो फ्लेम पे यानी धीमी आंच पर 15 से 20 मिनट के लिए पकाएं। देखिए जब हमने इसको लो फ्लेम पे गरम करा तो ये बहुत ही इफेक्टिव तरीके से आपके फेस पे काम करेगा क्योंकि दोनों चीजों का, बादाम के तेल का और पपीते का, पूरा असर इसमें आ चुका है। अब इसको हम छन्नी की मदद से एक कटोरी में छान लेंगे और उसके बाद आप इसको किसी भी कांच के स्प्रे बॉटल में या नॉर्मल बॉटल में या प्लास्टिक की बॉटल में भी स्टोर करके रख सकते हैं, ठंडा कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से इसका जूस निकाल के आप बॉटल में डाल लीजिए। 1 वीक तक आप इसको फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। अब आपने इसको लगाना कब है वो जान लेते हैं। लगाने के लिए रात को सोने से पहले अपना चेहरा किसी भी फेस वॉश या साबुन से धो लीजिए, उसके बाद हल्का हल्का डॉट लेकर अपने फिंगर टिप्स पे अपने फेस पे इसको अच्छे से अप्लाई कर लीजिए। अप्लाई करने के 10 मिनट बाद आप सो जाइए। रोजाना रात को सोने से पहले इसको अप्लाई करें और फिर देखिए आपके चेहरे की रंगत कैसे बदलती है, कैसे आपकी सारी डेड स्किन, आपके सारे स्किन की टैनिंग, झाइयां, पिंपल के मार्क्स, आपकी स्किन का डल पड़ना सब दूर हो जाएगा। आपकी स्किन बहुत स्पॉटलेस और बहुत ग्लोइंग हो जाएगी। तो इस बेहतरीन वीडियो के लिए लाइक तो बनता ही है ना, और कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना। ऐसी वीडियो देखना चाहते हो तो बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, जब बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप उसको देखकर अपनी जिंदगी को और बेहतर बना सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।